नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स हिंदी में आपका स्वागत है। और हमारा जो पहला आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज हालिया में एक निर्णय दिया था विमुद्रीकरण को लेके, और उसके लिए आलोचना हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत है, बहुमत के फैसले का सिद्धांत, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हो रही है। क्योंकि जो निर्णय आया इस केस में, जो विमुद्रीकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसकी आलोचना हो रही थी, लेकिन उसमें जो श्री जस्टिस जे नागरत्ना का जो अल्पमत का फैसला था उसको आरबीआई ने एक संस्थागत सहमति दी, ठीक है, आरबीआई की जो संस्थागत सहमति थी उसको चुनौती देने के लिए इन जे नागरत्ना जी का की सराहना हो रही है। तो देखेंगे अभी मामला क्या है। तो दो न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ के द्वारा कुछ मानक मामलों के विपरीत फैसले सुनाए गए थे जो संख्यात्मक बहुमत के उन मामलों के लिए विशेष महत्व रखते हैं जिसमें संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त व्याख्या सम्मिलित है। अर्थात जहां संवैधानिक मुद्दे होते हैं और पर्याप्त रूप से आप उसमें फैसले सुनाते हैं तो वहां पर भी अगर आप बहुमत फैसले के साथ ही जाते हैं, यह एक परंपरा रही है, तो उस बात की आलोचना हो रही है। अगर देखी जाए तो ऐसे मामलों में अनुच्छेद 145(3) यह कहता है कि पांच या अधिक न्यायाधीशों वाली एक संवैधानिक पीठ की अगर बात की जाए तो होगी, उसकी स्थापना अगर कोई संवैधानिक मामले की जांच होगी और उसमें मिनिमम पांच या आगे 7, 9, 11 इस अनुपात में, इस संख्या के हिसाब से न्यायाधीश 13 तक हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए बहुमत की आम सहमति की जो अवधारणा है, बहुमत की आम सहमति की जो अवधारणा है वह संविधान के अनुच्छेद 145(5) से निकलती है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे मामले जिनमें न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता परंतु न्यायाधीश असहमतिपूर्ण निर्णय पर राय देने के लिए यहां स्वतंत्र होते हैं। अर्थात बिना बहुमत के तो आप कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पीठ में जब आप होते हैं और कोई निर्णय आप सुनाते हैं तो आपके व्यक्तिगत निर्णयों का भी एक सम्मान होता है, उसकी भी एक भूमिका होती है, कहीं ना कहीं उसके प्रकाशन की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जाती है। क्लियर है, यह 145(5) अनुच्छेद से संबंधित यह प्रावधान है। अब अगर बात की जाए तो विधायिका में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के विपरीत लोकप्रिय धारणा पर कार्य कर सकते हैं न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं और विवादित मामलों के पक्ष विपक्ष दोनों से अवगत होते हैं। अर्थात जो विधायिका के लोग वो कहीं ना कहीं सरकार, राजनीति, अन्य पूर्वाग्रहों से कहीं ना कहीं वह प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका है उसको निष्पक्ष संस्था माना जाता है। अर्थात वह विवादित मामले के पक्ष व विपक्ष दोनों की बातें सुनती है और अवगत होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि एक विशेष खंडपीठ के तर्ज पर कानून तर्क लिखित प्रस्तुतियों का एक सेट होता है जिसके माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला सुनाना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में बहुमत है जजों का किसी निर्णय में तो कहीं ना कहीं बहुमत का ही फैसला सबको सुनाना अनिवार्य होता है, लेकिन अगर संवैधानिक पीठ की बात हुई तो वहां व्यक्तिगत जो निर्णय है उनका भी अपना महत्व होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि एक सराहनीय अल्पसंख्यक निर्णय इससे इसके तर्क की त्रुटिहीनता के अतिरिक्त इसके परिणामों के संदर्भ में बहुत कम भार प्राप्त करता है, यह एक अलग से समस्या है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 में केस में न्यायमूर्ति एच आर खन्ना की असहमतिपूर्ण राय संवैधानिक असाधारणता की परिस्थितियों के दौरान भी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को बयान रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अर्थात इस केस में एक असहमतिपूर्ण राय थी जस्टिस खन्ना की, जिससे लोग सहमत नहीं थे, जिससे बहुमत में जज सहमत नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाए तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसी तरीके से सुब्बा राव बनाम खड़क सिंह यूपी राज्य में 1962 के केस में भी यही है, जो निजता के अधिकार को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण था। और बाद में के पुट्टास्वामी बनाम यूओआई 2017 मामले में सेम इसी निर्णय को जो न्यायमूर्ति सुब्बा राव बनाम खड़क सिंह वाले मामले में था, कहीं ना कहीं इसी निर्णय के निजता के अधिकार को स्थापित किया गया बाद में पुट्टास्वामी केस में। अर्थात निजता के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार माना गया। और भी है इसमें इस तरीके के केस हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका ने एक भारत के जो सलाहकार हैं एनएससी
अजीत डोभाल साहब और अमेरिका के जो एनएसए हैं उनके समकक्ष, इनके दोनों ने अभी एक आईसीईटी नामक आईसीटी जो प्रौद्योगिकियां हैं इनसे संबंधित एक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किया है। तो देख लेते हैं ये क्या होती है। आईसीईटी का अर्थ है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल, इधर लिख लेते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अगर इसमें बात किया जाए तो अभी दोनों पक्ष एक द्विपक्षीय सहयोग पर कहीं ना कहीं सहमत हुए हैं। और इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैन्य उपकरण जैसे कि ड्रोन आदि क्षेत्रों में भारत और अमेरिका सहयोग का विस्तार करेंगे और सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। अगर बात की जाए कि जो नियोजित सहयोग है भारत और अमेरिका के बीच इस एरिना में, इस परिक्षेत्र में, तो वह उनके छह क्षेत्रक हैं। पहला है इनोवेशन इकोलॉजी अर्थात नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करना, रक्षा नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग करना, लचीला अर्ध चालक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाना जिसको कि आप सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को बढ़ावा देना, इसके अलावा स्पेस का क्षेत्र, इसके अलावा STIEM यानी स्टेम टैलेंट जो है भारत में उसको बढ़ावा देना जिसमें विज्ञान तकनीक जैसी चीजें शामिल हैं, गणित जैसी चीजें शामिल हैं, अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी का दूरसंचार अर्थात नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जेन टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये छह क्षेत्र इस समझौते में शामिल है। अब अगर बात की जाए कि भारत और यूएसए में, तो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन और भारत का जो आईएससी है यानी भारतीय विज्ञान संस्थान है, इनके मध्य एक शोध संस्था भागीदारी में क्वांटम कंप्यूटिंग पर सहयोग हुआ है जिसमें एक ऐसा तंत्र शामिल होगा जिसमें शिक्षा और उद्योग दोनों को शामिल करेंगे। एक नया रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप भी विकसित करना इसका लक्ष्य है और भारत में सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालकों को उत्पादित करने वाले पर्यावरण को स्थापित करना इसका लक्ष्य। इसके अलावा भारत में 5G और 6G सहयोग, ओपन रैन अर्थात फोन को एक दूसरे से और इंटरनेट को एक दूसरे से जोड़ने की जो टेक्नोलॉजी है जिसको ओपन रैन कहते हैं, इसके लिए एक निजी सार्वजनिक संवाद की भी बात की गई है भारत अमेरिका के इस सहमति पर। ठीक है, एनएसए लेवल में अगर बात की जाए, भारत निर्मित हल्के लड़ाकू वायु विमान जो है भारत में जेट इंजन निर्मित करने के लिए एक सामान्य विद्युत तकनीक जो है वो अमेरिका से लेने की बात है और इनके बीच एक इस आवेदन की त्वरित समीक्षा, हाल ही में भारत ने जो आवेदन किया इस संबंध में उसकी त्वरित समीक्षा की बात पर भी सहमति बनी। अगर बात किया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी है उनको कहीं ना कहीं उनका उपयोग भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को की स्थापना के लिए ही होना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है मिडिल ईस्ट और रशिया से संबंधित जो क्षेत्र हैं, लेकिन भारत सरकार और लोक, भारत और अमेरिका दोनों एक कहीं ना कहीं परिपक्व लोकतंत्र हैं, तो इन दो लोकतंत्रों के बीच ये सहयोग हो रहा है कि जो तकनीक है उसका प्रयोग भी लोकतांत्रिक क्षेत्र में होगा। हमारा अगला आर्टिकल UPI से संबंधित है, ये चर्चा में क्यों है देखते हैं। तो मेड इन इंडिया यानी भारत में बना एक रियल टाइम कहीं ना कहीं भुगतान तंत्र है जिसको आप UPI कहते हैं। UPI अर्थात यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, ये जो UPI यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है अब वह NRI के लिए भी, NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन जिनको प्रवासी भारतीय कहते हैं ठीक है, के लिए भी ये उपलब्ध होगा। कौन? UPI। अब अगर बात की जाए, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस के द्वारा बताया है कि जो हमारे अनिवासी भारतीय हैं
एनआरई एनआरओ जिनके पास अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर है वो यूपीआई के साथ लेन देन की अनुमति अब एनपीसीआई ने दे दी है। अगर बात की जाए सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया कनाडा हांगकांग ओमान कतर यूएसए सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात और यूके के साथ प्रारंभ करने के लिए अभी 10 देशों में मोबाइल नंबर को यह अलॉट किया गया है कि 10 देशों के जो मोबाइल नंबर हैं कहीं ना कहीं वह सुविधा ये सुविधा फ्लैगशिप तौर पर वहां पर दी जाए। अब बात करते हैं यूपीआई क्या। तो यूपीआई हमने बताया एक यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है इंडिया का जिसको जिससे रियल टाइम यानी ठीक उसी समय जब आप चाह रहे हैं रियल टाइम भुगतान प्रणाली यह है भुगतान को सुनिश्चित करती है। और एनपीसीआई 2016 में एनपीसीआई के साथ आरबीआई और आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन इन तीनों ने मिलकर 2016 में इसको लॉन्च किया या विकसित किया। अब आगे देखें एनआरआई के लिए तो वर्तमान में एक व्यक्ति को यूपीआई आईडी प्राप्त करने के लिए एक भारतीय होना आवश्यक होता था भारतीय नंबर का। अब क्या किया गया है कि एक हाल ही में जो 10 देश हैं वहां के नंबरों को भी इससे जोड़ दिया गया है तो वो भी संभव हो पाएगा और विदेशियों को भारतीय नंबर रखने के लिए कहीं ना कहीं विवश होना पड़ा था पहले रोमिंग की वजह से और अब ये भारतीय विदेशी नंबरों पर भी ये बात संभव है। एनपीसीआई के अनुसार अगर देखा जाए तो उपयोगकर्ता अब अपने भारतीय मोबाइल फोन नंबर का उपयोग किए बिना ही यूपीआई का उपयोग कर पाएगा क्योंकि 10 देशों में जो सक्रिय मोबाइल नंबर हैं कहीं ना कहीं एनपीसीआई ने उसको अनुमति दी है कि वह यूपीआई से जुड़ सकते हैं और यूपीआई को कहीं ना कहीं संपादित कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। अब हम देख लेते हैं मेंस का जो हमारा प्रश्न है हमारे मेंस के जो दो प्रश्न है जो डेली लेवल पर मैं देता हूं आपको और इसके उत्तर की भी समीक्षा मैं प्रस्तुत करता हूं हफ्ते में 2 या 3 बार। अब देखते हैं बहुमत के फैसले के माध्यम से न्यायिक फैसले ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है इस पर टिप्पणी करना है यह 250 शब्दों में लिखना है। इसके अलावा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसको आईसीईटी कहते हैं पर एक जो पहल है हमारी जिसको आईसीईटी कहा गया उस पर भारत अमेरिका संवाद भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र में इसकी व्याख्या करनी है 250 शब्दों। क्लियर है। अब हम जैसी हमारी प्रथा है हम आपको एक प्रीलिम्स का एक प्रश्न देंगे और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हमारा जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंध रखता है या से संबंधित है। ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 110, दूसरा अनुच्छेद 111, तीसरा अनुच्छेद 112 या चौथा अनुच्छेद 117(2)। ठीक है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कल इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।